अकाउंट पर लगेंगे हर वर्ष मिले मरने वालों का आपकी यही निशान है। प्रातः स्मरणीय वंदनीय विश्व अग्नि शहीद चंद्र कौरी साहब को सैल्यूट नमन वंदन। बातें बताऊंगा आपको, बाकी तो जीवनी सब लोगों से कह दिया। मैं 2002 में भर्ती देख रहा था, 25 मार्च 2003 को ज्वाइन हुआ और उसके बाद 2004 में मैं जम्मू श्रीनगर कश्मीर वैली में पोस्टेड रहा। तो कमांडो की ट्रेनिंग में जो पुराने वाक्य होते हैं जहाँ लड़ाइयाँ हुई, किसने किस तरह से लड़ाई की, कहाँ फायरिंग हुई, किसकी किस तरह से डेथ हुई, ये सब चीज़ें ऑपरेशन वॉर में सब समझाई जाती है ताकि वो गलतियाँ आप ना करो, उनसे सीखा जाता है। तो कैप्टन साहब की शहादत के बारीक बारीक स्टोरी हमें कमांडो ट्रेनिंग के दौरान, जब हिमाचल में जंगल ट्रेनिंग कर रहा था उसमें, बहुत तसल्ली से सिखाई और समझाई गई। और आदरणीय है, तब से मन में सम्मान है, उनके ऑपरेशन से बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। पहले 65 की लड़ाई में भारत में तीन चीज हुआ करती थी सेना, एक लड़ने के लिए आगे बढ़ना है, वहां रुकना है और फिर पीछे हटना है, ये तीन चीजें थी। 71 के वॉर के बाद में भारतीय सेना ने पीछे हटना हटा दिया, उसकी ट्रेनिंग ही बंद कर दी। अब आप आगे बढ़ो और वहां पे रुको, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है इस भारतीय सेना का, जो आप युवाओं को तैयार करके, बड़े करके, पाल पोस के आर्मी में सेना में भेजते हो ना, वही लोग वहां कमाल करते हैं। और वो बिल्कुल 1% भी माइंड में ये नहीं लेके आते कि मैं मर जाऊंगा और मुझे डर लग रहा है। ये हकीकत है कि जब हम लोग ऑपरेशन में जाते थे, साथ के लड़के सब, मां सुबह से स्टार्ट हो जाता है, तुम मरेगा साले, आज मेल मोट नहीं आते, तेरी मोटे तेरी बॉडी में ले जाऊंगा मेरी, तुम ले जाना करके, तेरे तेरे में रिसीव नहीं होगा। जनरली वहां के टोन इस तरह से कैसे जाते हैं, और मन में एक ललक रहती है, एक सपना रहता है कि यार काश मैं मरूं तो तेरे ना नसीब हो, मेरा भी यही सपना है। भगवान ने नहीं मिलता, ये कोई उपाय नहीं है, लेकिन 1% मन में डर नहीं रहता कहीं भी, ऐसा नहीं लगता यार मर जाऊंगा तो मेरे बीवी का क्या होगा, बच्चे क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा पॉकेट में क्या मिला, जेब में क्या मिला, अब्दुल हमीद की फोटो, परवीर चक्कर अब्दुल हमीद की फोटो, लाल बहादुर शास्त्री की फोटो, उनके वो प्रेरणा स्रोत है। वो बीवी बच्चों के बारे में उस समय नहीं सोचते कि मैं मर जाऊंगा मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, वो ये सोचते हैं कि जो उधर से एक आया है या 10 आए हैं, वो अंदर आ गए, अगर अंदर चले गए तो पता नहीं कितने माओ के बेटे खत्म करेंगे, पता नहीं कितनों के सिंदूर उजाड़ेंगे, पता नहीं कितने की राखियां तबाह होगा। उनका माइंड पूरा कॉन्स्टेंट उसमें वहां होता है कि मैं जैसे तैसे करके इसको मारूं अभी, और उसी के लिए खुद का शरीर त्याग देते हैं, आगे मान देते हैं हॉस्पिटल के आगे के हाथ में आगे जाएंगे। और यही बोलते हैं पुराने समय में, हम तो स्ट्रगलर हैं इस पंजाब बेल्ट के, अफगान युद्ध के, या जब उधर से मुगलों के अटैक होते थे, तो इस क्षेत्र में 26 वर्ष से बड़ी औरतें अगर कोई स्वागत होती थी तो उनको ताने दिए जाते थे। आप जानते हैं सर ये बात, मतलब 25-26 की जो लड़की थी वो विधवा मिलती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड का खत्म हो जाते थे और में युद्ध में खत्म हो जाते थे। तो इतनी शहादत दे के इन गाथाओं को लिखते लिखते ऐसे जवान तैयार हुए जिन्होंने फिर देश के लिए अपनी जान दी, और कुछ नहीं मांगते। हम मैं इस फील्ड से हूँ, इनकी फीलिंग मैं जानता हूँ कि क्या रही होगी। हम आपसे या साहब आपसे कुछ ज्यादा डिमांड नहीं करते, इतना करते हैं कि आप लोग जब हमारी शहादत दिवस हो तो सब इकट्ठे होकर आ जाए, आपसी विनम्र से बुलाकर प्यार प्रेम से इस देश को अच्छा से घड़े, अच्छी संरचना बनाए, गुलकियों को मिटाए, बस और कुछ नहीं डिमांड आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। तो धन्यवाद है आपको कि आप सब इतने बुजुर्गण भाई लोग सब यहाँ पधारे, साहब को आज आपने याद किया, इतने सारे लोगों को देख के अच्छा भी लग रहा है, शायद हुतात्मा जहाँ भी हैं आप सबको देख के खुश भी हो रही है कि मेरी शहादत का मुझे हक आ गया, कि इतने लोग आज भी मुझे नमन कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं, मुझे भूले नहीं। और शहीद के लिए दुर्भाग्य यही होता है कि लोग उनको भूल जाते हैं। तो शहीद साहब को, चंद्र चौधरी साहब को मेरी आदरणीय दोबारा नमन करते हुए सैल्यूट करूंगा और आप सबको धन्यवाद दूंगा
कि आप इसी तरह आगे भी आते रहें, आज है उसके लिए बहुत बहुत आभार, और आगे भी इसी प्रकार के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, चाहे आपका तन का सहयोग हो, धन का सहयोग हो या मन का सहयोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।